टॉय कार विद चार्ज क्यू, चार्ज है कार पे, मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ड्यू टू द फोर्स क्यू ई, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 m/s इन जस्ट 1 सेकेंड. एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड. द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस रिवर्स्ड फील्ड. मैंने रिवर्स लिखा नहीं पर मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली भी नहीं लिखा हुआ था पर आप समझ जाइए कि रिवर्स फील्ड में भी 2 सेकेंड और वो चल पाई. द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ टॉय कार बिटवीन 0 to 3 seconds आर. सिचुएशन को समझते हैं. यहाँ पे एक टॉय कार है जिसपे कोई चार्ज है, तो हम सिर्फ चार्ज को ही दिखा देते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले सेकंड में ही उसकी वेलोसिटी 0 से 1 पहुंच जाती है, 6 पहुंच जाती है 1 सेकंड में. फोर्स बराबर क्यू ही लग रहा है इस वजह से. नाउ अब क्या होता है सडनली, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस होती है, ठीक है. ऐसे मान लीजिए स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्विच्ड है, प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो ऑब्वियसली चार्ज जो होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से मूव कर रहा होगा. और मूव करते में क्या दे रखा है कि जस्ट पहले सेकंड में उसकी स्पीड मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई, रेस्ट पे था 0 से सेकंड और ये 1 सेकंड में ट्रेवल किया. अब इसके पास 6 m/s स्पीड है, ओके, और 1 टाइम है. तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 6 m/s², क्योंकि स्लोप से निकलता है ये 6 और ये 1. नाउ स्पीड पलट दी जा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलट दी जाती है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्योंकि चार्ज प्लस क्यू है. तो अब यही चार्ज इधर की तरफ फोर्स महसूस करता है, यानी कि अब ये चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा उल्टा डिसेलरेट करेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है. और चार्ज 0 से 1 सेकंड में 6 पर पहुंच चुका था, 6 m/s पर, सडनली इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, पर इनर्शिया की वजह से चलता रहेगा और फाइनली ये रुक जाएगा इस फोर्स की वजह से. और हमने बोला भी हुआ है कि 3 सेकंड तक टोटल, या यूँ कहिए कि इस 6 के बाद जब 2 सेकंड और तक ये मूव करता रहा, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. तो हमें ये निकालना है कि 3 सेकंड तक और ट्रैवल करता रहा, तो अगर ये 1 है, ये 2 और ये 3 है, तो सॉल्व करते हैं. उसी फोर्स, ध्यान रखें सिर्फ फील्ड रिवर्स की गई है, यानी कि कार पर एग्जैक्टली वही फोर्स लग रहा होगा. तो अगर कार 0 से 6 सेकंड 1 सेकंड में आती है, तो वो वापस 0 स्पीड कर लेगी उसी 1 सेकंड में ही. क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, उसी 1 सेकंड के इंटरवल में करेगी, क्योंकि सिर्फ रिवर्स की गई है फील्ड, है ना, तो फोर्स तो उतना ही है. तो जितना टाइम 0 से 6 आने में लगेगा उतना टाइम पे 6 से 0 आने में लगेगा. आफ्टरऑल फोर्स इज सेम, पहले एक कंडीशन में था वर्क कंडीशन में, पहले जो फोर्स लग रहा था उससे 0 से 6 1 सेकंड में आया, तो ऑब्वियसली दूसरी बार 6 से 0 पहुंच जाएगा 1 ही सेकंड में, क्योंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है. क्यू इंटू वी फोर्स होता है, क्यू इंटू वी लेफ्ट में लग रहा है. लेकिन हमें सवाल में क्लियरली बोला गया है कि जो कार है वो 3 सेकंड तक चलती रही, ये यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड और 3 सेकंड, मतलब अब ये उसी फोर्स से 1 सेकंड और लेफ्ट की तरफ मूव कर रही थी, यानी कि चार्ज जो कार पे था वो ऐसे गया 0 6, ओके, फिर उसके बाद धीरे 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 और फिर 0 हो गई स्पीड, 1 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, और अब ये पलट रही है, ओके, 3 सेकंड, क्योंकि अभी भी फोर्स बराबर है, तो ये 3 सेकंड होगा और यहाँ फिर इसकी स्पीड आ जाएगी 6, ओके. अगर हम एक्सटेंड करें तो यहाँ पर इसकी स्पीड -6 m/s, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी. अब हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो ये ट्रायंगल तो सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल होगा डिस्प्लेसमेंट में, सिर्फ ये ट्रायंगल बचेगा, हाफ बेस 1 × height is 6, 3/3 दैट इज 1 m/s, दैट इज एवरेज वेलोसिटी. और एवरेज स्पीड जो होगी उसमें कोई ट्रायंगल कैंसिल नहीं होगा, उसमें सब जोड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस लिया जाएगा, ये भी लिया जाएगा, ये भी लिया जाएगा. तो यहाँ देखिए हमने टोटल हाफ बेस इंटू हाइट कितना निकाला, 3, तो ये 3 है, तो ये भी ट्राइंगल सिमिलर है, ये भी
थ्री होगा तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, तीनों ट्राइंगल्स ऐड होंगे, डिवाइड बाय टाइम भी थ्री है, तो विल गेट 9/3, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके सो नाउ वी कैन मार्क दी आंसर। वन एंड थ्री, ये डी इज द राइट ऑप्शन।